Welcome to my channel Mubish Kitchen. Don't forget like and subscribe. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुबिश किचन। आज मैं आपके लिए एक और न्यू डिश लेके आई हूँ, और उसको देखने से पहले मैं आपसे जरूर बोलना चाहूंगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। चलिए और अब मैं बता देती हूँ मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। ये चना दाल है, मैंने इसको भिंगा लिया है। इसका मैं आज हलवा बनाने जा रही हूँ। बहुत टेस्टी हलवा होता है। ज्यादातर लोगों को चना दाल का हलवा बहुत पसंद होता है। तो ये एक बड़ा प्याली मैंने ले लिया है, कप इसको ले लिया है मैंने। ये होगा 100-150 ग्राम होंगे, भींगे हुए हैं। इसको 4 घंटा मैंने भिंगा लिया है। ये एक कप चीनी, उसी बराबर मैंने एक कप दूध, और ये मेरे पास देसी घी है। ये मेरे पास है नारियल का बुरादा और काजू बादाम, और मैंने थोड़ी सी छोटी इलायची छिलके ले ली है क्योंकि इसको मुझे पाउडर बनाना है। चलिए, ये मेरे पास इंग्रेडिएंट तैयार हो चुके हैं, अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले ये मैंने चना दाल डाल लिया है। अब मुझे इसमें अपने ये दूध डाल लेना है, साथ ही साथ मैं ये अपने छिलके इसमें डाल दूंगी कि इसमें थोड़ा फ्लेवर आ जाए। अब मैं इसको कुकर में प्रेशर लगा दूंगी। ये देखिए, फिर मैं इसको किसी चीज में पीस लूंगी। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने दूंगी। अभी ये गर्म है और फिर इसके बाद मैं इसको पीस लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बढ़िया सा पेस्ट इसका तैयार हो गया है। अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। मैंने इसमें 2 से 3 स्पून ऑयल ले लिया है कि मुझे सिर्फ घी में तो बनाना नहीं है, मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल भी लूंगी। अगर आप चाहें तो पूरा घी भी यूज कर सकती हैं। मैं इसमें आधा अपना घी डाल लूंगी बाद में उप डालने के लिए, और छोड़ दूंगी ये गर्म हो जाए। ये मेरा घी गर्म हो गया है, और इसमें मैं ये अपने पेस्ट डाल दूंगी। ये देखिए, ये मैंने इसमें पूरा डाल लिया है, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी, और इसको धीरे आंच पे करके मैं भूनूंगी अच्छे से। इसको कम से कम मुझे 15-20 मिनट भूनना है, बहुत अच्छे से भूनना है इसको कि अच्छे से ये लाइट ब्राउन हो जाए। और मुझे इसके पेस्ट को, चने दाल को पीसते के टाइम में जरा भी पानी नहीं डालना है। जो इसका दूध होगा इसी से मुझे पीस लेना है इसको, इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा जिससे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको 15 मिनट धीरे आंच पे भून लिया है। ये मेरा थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो गया है, मगर अभी भी मुझे इसको और भूनना है इसमें, जब तक कि मैं ये अपने नारियल काजू बादाम, मैं थोड़े से काजू बादाम बचा लूंगी ऊपर से सर्विंग के लिए, और साथ ही इस घी को मैं डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसको मैं धीरे धीरे आंच पे चलाते चलाते मैं इसी में अपनी ये चीनी, आधी चीनी डाल दूंगी, और इसको धीरे आंच पे मैं इसमें नाम भर का रंग डालूंगी जिससे मेरा नेचुरल कलर इसमें ना जाए। ये देखिए एकदम लाइट। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये 5 से 10 मिनट और भुन गया है। इसमें मैं अपनी इलायची और इसमें जरा सा ये दही घी बचा था, सॉरी, ये मैंने डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए बहुत अच्छा हो से मिक्स कर लिया मैंने। ये मेरा अब इसको आप घर पे जरूर बनाइए, और मुझे शेयर कर, मुझे सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।